महादेव, मैं आपसे वर मांगता हूं कि ये बलराम अपने समस्त बल के साथ भी मुझे छू ना पाए, मेरा अंत ना कर पाए महादेव। इसलिए मैं रोम हर्षन आपसे अभेदान मांगता हूं, अभेदान मांगता हूं। अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लें आप महादेव, किंतु इस रोम हर्षण को मैं द्वारका से बाहर तो नहीं जाने दूंगा। यदि तुम अपने प्राण देना ही चाहते हो तो यही सही। यदि आज इस संसार का अंत हो जाता है तो यही सही, परंतु मेरे लिए कर्म की महत्ता सर्वोपरि है। अब जानते हैं, यदि महादेव ने वर दे दिया तो आप रोम हर्षण का अंत नहीं कर सकते था। आपका कोई शस्त्र काम में नहीं आएगा। जानता हूं काना। अराध, कुछ कारण है जो मैंने ही आपको कहा है उसे वर देने के लिए। मैं बस चाहता हूं कि कुछ समय के लिए आप मेरी बात समझने का प्रयास करें। आप अपने स्थान पर और दाऊ अपने स्थान पर उचित कर्म कर रहे हैं, किंतु उसमें हमें एक मध्यम मार्ग खोजना ही होगा। मैं आपसे केवल दो बातें कहना चाहता। पहली बात यह कि दाऊ जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कारण प्रेम है। ये क्रोध, इसके पीछे कारण प्रेम है और ये क्रोध अनुचित नहीं है। बलराम स्वयं महादेव भक्त हैं, फिर भी आज निर्भय होकर महादेव के विरुद्ध युद्ध के लिए सज्जे हैं। कारण क्या है? बलराम भली भांति जानते हैं महादेव के साथ युद्ध अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना वो जानते हैं, तब भी आज आपके समक्ष खड़े हैं। कारण क्या है? केवल प्रेम, और यह अनुचित नहीं आराध्य। मुझे स्मरण है, एक बार की बात है, इस प्रेम के ही कारण महादेव ने अपने तीसरे नेत्र खोले थे और तब नारायण को हस्तक्षेप करना पड़ा था। प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठे थे महादेव, तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया था, महादेव को कर्म के विषय में स्मरण करवाया था। ये कार्य महादेव कर सकते हैं तो बलराम क्यों नहीं? दूसरी बात रात है, यदि बलराम ने ये प्रण लिया है कि वो रोम हर्षण का अंत करेंगे, किसी कारण से लिया है, मात्र एक अवसर तो उसे प्रदान करना चाहिए, एक अवसर अपने प्रण को पूर्ण करने का। नारायण हो या महादेव, जब भी हम वर देते हैं संपूर्ण अभयदान कभी नहीं देते। कारण ये है आराध्य कि वो संपूर्ण अभयदान अमरत्व बन जाता है, और नियति का ये नियम है कि जहां जन्म है वहां मृत्यु है, और रोम हर्षण को पूर्ण अभयदान देना नियमों के विरुद्ध होगा। आप रोम हर्षण को वर दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है,
किंतु संपूर्ण अभयदान मत दीजिए, यह अमरत्व होगा। बलराम रोमहर्षण का अंत नहीं कर सकते, ये वर उचित है, किंतु किस किस प्रकार अंत नहीं कर सकते, किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते, इस वर के मापदंड क्या होंगे, किस प्रकार का निष्पादन होगा, इसके विषय में निर्णय लेना आवश्यक है। यदि आपने उसे संपूर्ण अभयदान दे दिया तो ये उसे अमरत्व देने समान होगा। अब आप स्वयं सोचिए आराध्य, क्या ये उचित है? हे श्री कृष्ण, आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द सर्वथा उचित है। मैं अत्यंत सोच विचार के पश्चात ही ये वर दूंगा। धन्यवाद आराध्य। नहीं कान्हा, नहीं, प्रयास भी मत करना मुझे अपने शब्द से लौटाने का। इस समय तुम कुछ कहो ही मत, तो उचित है। ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा? मेरे चरणों में तो कान्हा तुम नारायण हो और मैं शेष मात्र का शेष ना। जब तक मेरे दाऊ अपना हट नहीं छोड़ते, मैं उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। वो चाहते क्या हो कान? नहीं कान्हा को जिसके चरणों में मेरा स्थान है, उसे अपने चरणों में तो कदापि नहीं देख सकता। कहो क्या चाहिए? बस प्रेम की एक भिक्षा दे दीजिए। महादेव जो भी वर रोमहर्षण को देंगे उसमें बस हामी भर दीजिए। क्यों? कैसे तुम अपने ही भ्राता से उसके वचन का त्याग मांग सकते? क्योंकि मुझे स्वयं पर विश्वास है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने दाऊ के साथ कुछ अनुचित नहीं होने दे सकता, न इस बार अनुचित मेरे दाऊ के साथ होगा। मुझे स्वयं पर विश्वास है। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? था अपने कान्हा पर मुझे स्वयं से भी बहुत अधिक विश्वास है। मेरा कान्हा जो भी कहेगा वो मैं अवश्य करूंगा, किंतु इसके बदले में मुझे भी तुमसे एक वचन चाहिएगा। क्या वचन चाहिए? आज के पश्चात किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मूल्य पर, कभी भी तुम मेरे चरण नहीं स्पर्श करोगे। मेरे प्राण हो तुम। जाओ, छोड़ दिया इस रोमहर्षण को तुम्हारे लिए, त्याग दिया मैंने अपना हट तुम्हारे लिए। बस मुझ पर विश्वास कीजिए। जाओ, you
मांगो रोम हर्षण, क्या वर चाहिए? महादेव, ऐसा लग रहा था कि मैंने वरदान मांग लिया, किंतु कोई बात नहीं, पुनः मांग लेता। मैं आपसे वरदान मांगता हूं महादेव कि मुझे इस बलराम से अभेदान चाहिए। रोमहर्षण, इस प्रकार का वर देना अनुचित होगा। पर महादेव, मुझे यही वर चाहिए, ये अधिकार है मेरा। तुम्हारे द्वारा मांगा गया ये वर नियति चक्र के विरुद्ध, क्योंकि यदि नियति के नियम के अनुसार बलराम ही तुम्हारी मृत्यु का साधन है, तो ऐसा वर देकर मैं अनुचित कर्म नहीं कर सकता। ये संसार चक्र के नियमों के विरुद्ध होगा। पर हाँ, इस वरदान में तुम ये अवश्य मांग सकते हो कि किस किस प्रकार से बलराम तुम्हारा अंत नहीं कर सकते। वो कृष्ण कुछ खेल खेल गया है। यदि कृष्ण यही चाहता है तो यही सही। मैं स्वयं रोमहर्षण को बताऊंगा कि अब क्या वर मांगना है। गुरुदेव सहायता कीजिए। भयभीत मत हो रोम, केवल मेरे शब्दों को दोहराओ। चार ही मार्ग हैं जिससे एक शत्रु हमारा अंत कर सकता है। शस्त्र से, शस्त्र से, बल से, बल से, देह से और छल से, देह से, छल से। इन चारों मांगों से बलराम मेरा अंत नहीं कर सकता। बस महादेव, मुझे यही चाहिए। बलराम आज बल होकर भी दुर्बल हो गया। तो संभालिए अपने आप। रोमहर्षण के बचने से एक लाभ तो हुआ ना, भाका के कल्याण का यज्ञ पूर्ण होगा, भाका पे आई काली माँ का अंत हो जाएगा। यज्ञ को पूर्ण नहीं छोड़ सकते, इसे पूर्ण कीजिए, इसे अपूर्ण रखना पाप है। कदापि नहीं। कृष्ण के संकल्प का यज्ञ, द्वारका के मंगल का यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं हो सकता।